बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शदीद माली बहरान, तनख्वाह और पेंशन की अदायगी मुश्किल, तनख्वाह और पेंशन की अदायगी मुश्किल। शदीद माली बहरान के बायस रवा महीने की तनख्वाहें और पेंशन ताखीर का शिकार। शदीद माली बहरान, तनख्वाह और पेंशन की अदायगी मुश्किल। तफसीलात के मुताबिक सूबे में शदीद माली बहरान के बायस रवा महीने की तनख्वाहें और पेंशन ताखीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया है। सिविल सेक्रेटरी के ज़राए ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के नतीजे में सूबे में गुज़िश्ता एक साल से शदीद माली बहरान का सामना है और सूबाई हुकूमत के पास मुलाजमीन के तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं और हर महीने तनख्वाह का मसला दरपेश आ रहा है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत से सूबे के माली बहरान पर कंट्रोल के लिए राबता किया गया है। ज़रा ने बताया कि सूबे में माली बहरान इस कदर शदीद हो चुका है कि बेशतर इदारों ने अक्टूबर की तनख्वाहें भी मुलाजमीन को अदा नहीं की और पेंशन की अदायगी भी तातुल का शिकार है। वफाकी हुकूमत की जानब से रवां हफ्ते के दौरान पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए तो मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी मुश्किल हो जाएगी और इसमें मामूली ताखीर का खदशा पैदा हुआ है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा निगरान हुकूमत की इब्तदाई महीनों के दौरान भी सूबे में माली बहरान इस कदर बढ़ गया था कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन की मद में पैसे एक हफ्ते की ताखीर के साथ जारी किए गए थे। दूसरे न्यूज़पेपर के मुताबिक माली बहरान, सरकारियों की तनख्वाहें खतरे में, 35% इजाफे की वापसी, अलाउंसेस वगैरह की कटौती पर एक बार फिर गौर हो शुरू। माली बहरान के बायस 3 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिमों की माह नवंबर की तनख्वाहें खतरे में पड़ गई। सरकारी मुलाजिमों से 35% इजाफे की कटौती, अलाउंस वगैरह की कटौती पर एक बार फिर गौर हो शुरू कर दिया गया है। देखिए, लाखों सरकारी मुलाजिमों भी की पेंशन भी खतरे का शिकार हो गया है। महकम खजाना के मुताबिक सूबाई हुकूमत को इस वक्त शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। हर महीने तनख्वाह का मसला दरपेश होता है। विफाक की जानिब से फंड की अदम अदायगी के बायस सूबे में माली बहरान पैदा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।